इस वीडियो में मैं अपनी पूरी स्टेशनरी शॉपिंग करने वाली हूँ 100 रुपीज के बजट में। क्या मैं ये चैलेंज जीत पाऊंगी, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो ये है यहाँ का टॉय सेक्शन, बट अभी यहाँ से तो हमें कुछ लेना नहीं है, ये सारी चीज़ें बजट के बाहर है। सो वहाँ पे मुझे कुछ स्टेशनरी दिख रही है, तो हम वहाँ चलते हैं। इट्स द हेवन ऑफ स्टेशनरी हियर, एंड यहाँ पे अभी मुझे काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा है। सो मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ कुछ कुछ, एंड मैं परचेज भी करूँगी जो मुझे चाहिए। बेसिकली कुछ यूजफुल चीज़ें ढूंढ रही हूँ मेरे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज हॉलीडे होमवर्क है, हमें इतना प्रोजेक्ट दिया है। तो मैं सोच रही हूँ ना, ये जो पैसे मिले हैं ना, इसे किसी यूजफुल स्टेशनरी में इन्वेस्ट करूँ। एंड मैं एक लिस्ट बना के आई हूँ, तो अब हम देखते हैं क्या ये सारी चीज़ें हमारे बजट में आती हैं या नहीं। सो आवर चैलेंज ऑफिशियली बिगिंस, आई एम सो एक्साइटेड। रुको जरा, सबर करो। इस धूप धूल और पोल्यूशन भरी लाइफ में हमारी स्किन हो जाती है डल, और साथ साथ हमें आ जाते हैं डार्क सर्कल, बट इसका सोल्यूशन है मेरे पास। पेश है मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम और मामाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो अंडर आई क्रीम, जो आपके आंखों के चारों तरफ के डार्क सर्कल को भगाता है, साथ ही आपकी स्किन को चमकाता है। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स मेड सेफ सर्टिफाइड है, यानी कि ये फ्री है हार्मफुल केमिकल से और सारे के सारे नेचुरल हैं। और अगर मेरा कोड SAN2023 यूज करोगे तो पाओगे 20% ऑफ mamaearth.in और मामाअर्थ ऐप पे भी। मामाअर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल है मामाअर्थ, अमेजोन, नायका, पर्पल, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ के ऐप पे भी। मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव भी है। साथ ही साथ जब भी आप कोई ऑर्डर मामाअर्थ से खरीदते हो ना, तो उसके बदले वो एक लगाते हैं पेड़। सो बाय द ईयर 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट मोर देन 1 मिलियन ट्रीज। और अब मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपके लोकल स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो जब भी आपको कोई मामाअर्थ का प्रोडक्ट दिखे तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। सो सबसे पहले मुझे अपनी लिस्ट की चीज मिल चुकी है, वो थे ये रंगीला पेंट्स, जो कि हमारे बचपन के प्यारे पेंट्स थे। सो एक मैं ये ले रही हूँ, बट मैं इसकी प्राइस पहले देखूँगी। 20 रुपीज आई थिंक। ये एक कार्ट ले लेते हैं, इट विल बी टू बिग फॉर अस, बट ये पहली चीज़ तो ये मैंने रख लिया है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी शुड टेक। सो ये पोस्टर कलर्स हैं, बट आई थिंक ये हमारे बजट के बाहर होंगे। 100 रुपीज़ है ये, नो वे आई एम टेकिंग दीज। ओके लेट मी सी, ये 15 रुपीज़ के हैं एंड ये 35 रुपीज़ का है। ओके सो आई विल बी टेकिंग दीज वंस। यहाँ पे कुछ फैंसी इरेजर्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। बट आई डोंट थिंक आई नीड इरेजर्स नाउ। सो अब मैं ढूंढूंगी कुछ कलर्ड पेपर्स। सो यहाँ पे मुझे अभी तो कोई कलर्ड पेपर दिख नहीं रहा, लेट मी फाइंड। यहाँ पे हॉट ग्लू गन की रिफिल्स हैं, डू वी हैव दीज राइट नाउ। तो मेरी लाइक लिस्ट में एक मिनी डायरी भी थी, बट एक्चुअली मुझे मेरे घर में मिल गई, सो आई डोंट नीड इट एनी मोर। लुक एट दीज डायरीज, यहाँ पे काफ़ी कुछ है, बट वी डोंट नीड एनी ऑफ दीज राइट नाउ। ओ लुक एट दीज क्यूट pens and pencils. Then here we have some fancy pens. ये 20 rupees की हैं। सबसे पहले यहाँ पे unicorn है, Peppa Pig है, एक और टाइप का unicorn है। And यहाँ पे ooh look at this hot dog pen. Do we have anything more? Oopsie. तो यहाँ पे ये कुछ पेंस हैं। व्हाट इज दिस मम्मा, क्या है? पता नहीं, हैमर, आई डोंट नो।
डू वी नीड एनीथिंग फ्रॉम हियर डांसर्स नो एक्चुअली वी डू नीड एनीथिंग फ्रॉम सो यहाँ पे ये फाइल्स हैं मुझे फाइल्स चाहिए थी सो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये चैनल फाइल्स लूँ या ये फोल्डर लूँ आई थिंक मैं ये फोल्डर्स लूँगी टेक टू यार टेक टू इसको निकाल एंड इफ यू वांट दैट चैनल फाइल यू कैन हैव देम आल्सो आई डू हैव वन चैनल फाइल सो आई थिंक मैं फोल्डर्स ही लूँगी अभी के लिए सो टिल नाउ अभी बजट हमारा 75 रुपीज़ का पूरा हुआ है तो अभी मेरे पास बस 25 रुपीज़ और है तो मैं देखती हूँ मुझे और क्या चाहिए होगा मैं अभी कलर्ड पेपर ढूंढ रही हूँ क्योंकि आई रियली नीड देम वी हैव दीज स्लाइम्स बट ये स्टेशनरी नहीं है अनफॉर्चुनेटली एंड ये 70 रुपीज़ का है यहाँ ये कुछ मेटालिक पेंस है हमें सीडी मार्कर लेना चाहिए ओके नहीं लेता मम्मा कह रही है पीछे से ऐसा कर रही है क्योंकि वाकई जरूरत नहीं है हाँ मैं ब्रशेस का बेचारी गरीब सांधी वो सिर्फ 25 रुपीस की बजट में कुछ देख रही है यहाँ ये 50 रुपीस का पेंट ब्रश है अरे टेक यू रेड एंड ब्लू पेंस वो तुम्हारे 25 का बजट हो जाएगा हाँ मैं देखती हूँ और कुछ भी होगा यहाँ पे हाँ तुम अपने हिसाब से करो मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ वी हैव स्टिकी नोट्स आई गेस स्टिकी नोट्स यू ऑलरेडी हैविंग इट एट होम देखो अभी मेरे को 25 रुपीस का पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है बट आई विल सी मोस्टली इरेजर्स हैं इस बजट के बट वी डोंट नीड इरेजर्स राइट नाउ तो अभी मैं रेड पेन ढूंढ रही हूँ हेडिंग देने के लिए एंड ब्लू पेन्स तो अभी मेरे पास होंगी ओके आई फाउंड रेड पेन्स मुझे मिल गई एंड ये 35 रुपीस की है इसमें से एक ले सकते हैं सो मैं इसमें से अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि मैं रुक क्यों गई तो एक्चुअली क्या हुआ कि सारे स्टाफ के बॉस आ गए थे और वो उन्हें डांटने लगे तो मुझे थोड़ा डर लग गया अब और टाइम ना वेस्ट करते हो मैं वीडियो जल्दी से स्टार्ट करती हूँ जाओ जाके वीडियो देखो सो मैंने 2 रेड पेन्स ले लिए हैं ये लाइक डिविजन्स बनाने में काम आती है तो यहाँ हमारे 14 रुपीज़ का हो गया है मतलब मैं पहली बार स्टेशनरी शॉपिंग इतने कम बजट में कर रही हूँ ऐसे मेरी कार्ट यहाँ तक भरी रहती है आज कितनी खाली खाली कार्ट है मेरी सैड सानवी आप लोग वीडियो को लाइक करोगे तो मैं फिर हैप्पी हो जाऊंगी सो गाइज अभी ना मतलब मेरे कुछ कितने रुपए बचे होंगे मैंने 14 का ले लिया मेरे पास 25 रुपीस बचे थे मेरे पास स्टिल 11 रुपीस हैं सो मैं सोच रही हूँ मैं 5 रुपीस का ग्लू ले लेती हूँ मेरा फेवरेट कलर ऑरेंज है तो ऑफ कोर्स मैं ऑरेंज ग्लू लूँगी दिस गोज इन अ कार्ट एंड अब मेरे पास मैं 5 रुपीस हो गए हैं तो अब मेरे पास मतलब मैं मान के चलूँगी कि 6 रुपीस बचे हैं मेरे पास तो मैं 5 रुपीस का कुछ और भी ढूंढती हूँ बट उस 1 रुपी का मैं क्या खरीदूंगी वो आप मुझे कमेंट्स में बताना देखो मुझे अभी यहाँ 1 रुपी का कुछ नहीं मिल रहा तो आई थिंक मैं उस 1 रुपए की हमें छूट मिल सकती है मेरा 1 रुपए बच गया बट आप लोग कमेंट्स में बताना कि मैं 1 रुपी में क्या ले सकती थी मम्मा मैं 6 रुपीस का क्या ले सकती हूँ बाबा जी का ठुल्लू म्यूजिक आप रहने ही दो मैं खुद कुछ ढूंढ लूंगी मुझे 6 रुपीस का कुछ नहीं समझ आ रहा तो मैं सेफर साइड पे चलूंगी एंड मैं एक बॉल पेन ले लूंगी या जेल पेन कोई भी पेन ले लूंगी एंड अगर लाइक वो 6 रुपीस की हुई तो बहुत ही अच्छा होगा बट यूजुअली 6 रुपीस की पेन मिल नहीं रही है सो हम 1 रुपए मैनेज कर लेंगे कैसे भी तो ये 7 की एक पेन है तो अब हम लोग डिस्काउंट करा के इसको 6 रुपीस की ले लेंगे कुछ तो बार्गेनिंग करनी पड़ेगी ना ठीक है सो चलो अब बिलिंग कराते हैं
आई एम बैक फ्रॉम शॉपिंग, सो चलो जल्दी से मैं आपको अपना हॉल दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं हमारे बचपन के प्यारे रंगीला पेंट्स, ये मेरे फेवरेट पेंट्स हुआ करते थे। उसके बाद मैंने ये छोटा सा स्केच पेन का सेट लिया है, एंड उसके बाद मैंने ये 5 रुपीज़ वाला ग्लू लिया है, देन 2 रेड पेन लिए एंड 1 ब्लैक बॉल पेन ली है, एंड देन 2 फोल्डर्स लिए हैं। सो गाइज, मैंने ये स्टेशनरी चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। मुझे तो ये वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मजा आई, आई होप आपको भी ये वीडियो देखने में मजा आई होगी। अगर मजा आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टूडल्स।